नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे इस वीडियो में। तो IDBI बैंक प्राइवेटाइजेशन को लेकर बहुत सारे कमेंट्स दोस्तों मेरे पास आ रहे हैं, यूट्यूब पे, स्पेशली यूट्यूब पे। व्हाट्सएप के तो मैं आंसर आपको दे देता हूँ, व्हाट्सएप के और टेलीग्राम के। तो दोस्तों उसी एक कमेंट्स के आंसर के लिए मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। आपको पता ही है, एक नोटिफिकेशन आया है दीपम की तरफ से अभी IDBI बैंक प्राइवेटाइजेशन को लेकर, उसकी वीडियो मैं बना चुका हूँ, आप जाके अगर देखेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। उस नोटिफिकेशन में एक पॉइंट है कि साहब, जो भी संस्था या जो भी बैंक IDBI बैंक में हिस्सा खरीदना चाहता है या EOI में पार्टिसिपेट करना चाहता है, उसको RBI और होम मिनिस्ट्री का क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए। आप लोगों ने सवाल पूछा है कि सर ये क्लियरेंस सर्टिफिकेट आखिर क्यों चाहिए, RBI और होम मिनिस्ट्री का क्लियरेंस सर्टिफिकेट आखिर क्यों चाहिए। तो दोस्तों मैं आंसर आपको देना चाहता हूं, इसका आंसर एक ही है कि कोई गलत संस्था या कोई भी जो भी हिस्सा खरीदना चाहता है IDBI बैंक में, वो साहब गलत ना हो। यानी कि कोई भी गलत संस्था या कोई भी ऐसी संस्था जो साहब गलत नीयत से किसी भी संस्था में हिस्से को खरीदना चाहती हो, वो पार्टिसिपेट ना कर पाए और हिस्सा ना ले ले। इसी सब चीजों की छानबीन करने के लिए एक तरीका बना रखा है गवर्नमेंट ने। यानी कि जो भी संस्था किसी भी संस्था में हिस्सा खरीदना चाहती है, तो उसको सबसे पहले, अगर मान लिया वो बैंक है जैसे IDBI बैंक, तो उसको सबसे पहले RBI और होम मिनिस्ट्री का क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना जरूरी है। तो आपको मेरे ख्याल से आंसर मिल गया होगा। इसका आंसर बस इतना ही है कि ये एक प्रोसेस है और मैंडेटरी है, ताकि कोई गलत संस्था जो भी हो वो हमारे देश की संस्था में पार्टिसिपेट ना कर पाए, हिस्सा ना ले ले। जैसा आपको याद होगा, कोरोना काल में जब बाजार गिरा था, उस समय चाइना के बहुत सारे जो बड़े बड़े फंड हाउस थे, वो हमारे बैंकों में हिस्सा खरीदने लगे थे। और उसकी वीडियो भी मैंने आप लोगों के लिए बनाई थी, और मेरे ख्याल से व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे भी मैंने आप लोगों के लिए बहुत कुछ बताया था। तो कोई भी गलत व्यक्ति या गलत संस्था किसी भी संस्था में हिस्सा ना ले ले, इसके लिए एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया से सबको गुजरना पड़ता है। उसमें से एक प्रक्रिया है RBI और होम मिनिस्ट्री से क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना। अब इसका दूसरा पहलू ये भी है दोस्तों कि क्लियरेंस सर्टिफिकेट इतनी आसानी से तो मिलेगा नहीं, क्लियरेंस सर्टिफिकेट में समय लगेगा। और जितना समय लगेगा आपको पता ही है, उतने ही साफ इन बैंकों के हालात जो है वो सुधरते हुए नजर आएंगे। अभी आपने देखा होगा, आज ही खबर आई और IDBI बैंक का शेयर जबरदस्त तरीके से उछला। अब कुछ दिन ये उछलेगा, ऊपर जाएगा, फिर ये साहब नीचे आना शुरू हो जाएगा। यही रणनीति अपनाइए, बाय ऑन डिप करिए, सेल ऑन राइज करिए। जब भी खबर आ रही है इन शेयर्स को साहब आप खरीदने की कोशिश करिए और फिर ऊपर के लेवल पर इनको बेच दीजिए। इसी रणनीति के साथ काम करिए, मेरे ख्याल से आपको आंसर मिल गया होगा। और भी कोई अगर दिक्कत परेशानी है तो आप मेरे से कॉल कर सकते हैं, या व्हाट्सएप करिए, या फिर टेलीग्राम पे अपडेट को देखिए, सब कुछ आंसर आपको वहां अवेलेबल है। तो क्लियरेंस की आवश्यकता सिर्फ इसलिए पड़ती है ताकि कोई गलत व्यक्ति या संस्था हमारे देश की किसी भी संस्था में पार्टिसिपेट ना कर ले। इसी के साथ वीडियो होता है समाप्त, नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ होगी मुलाकात। तब तक इंतजार, फाइनली नमस्कार।